अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आजकल ये EFI गाड़ियाँ जो हैं, लाइक ये वैगन आर हो गई, खासतौर पे सुजुकी ऑल्टो हो गई, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी फ्यूल एवरेज के हवाले से, तो वो ये क्लेम करते हैं कि जी ये आजकल जो है ना, ये इसकी एवरेज बहुत डाउन हो गई है, 14-15 आ रही है जी सिटी में, लॉन्ग पर 18-19 आ रही है। इसी तरह वैगन आर की एवरेज जो है वो भी कम है, और कल्टस जो नया मॉडल है उसकी भी, यानी कि जो EFI खासकर गाड़ियाँ हैं जिसमें ECU वगैरह होता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि ये सबके साथ ही ऑलमोस्ट हो रहा है मसला। ये क्यों हो रहा है, अगर मैं इसको देखना छोड़ूंगा ना, मैंने अब इसका क्लच छोड़ दिया, इसके RPM देखें किधर खड़े हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये तकरीबन 1200 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1200-1300 पे तो मेरी गाड़ी के RPM रह रहे हैं, इतनी सर्दी है बाहर, क्योंकि कंप्यूटर तो ये सेंस कर रहा है ना कि बाहर तो बर्फ़ बनी पड़ी है, तो जब तक वो 900-800 पे नहीं आएगी RPM, गाड़ी अपनी फ्यूल एवरेज पूरी तरह नहीं देगी, फ्यूल ज़्यादा लेगी, ठीक है। वो समझेगा गाड़ी ठंडी है, उसको जो है मज़ीद थोड़ा फ्यूल चाहिए इंजन को, ताकि वो हेल्दी वर्किंग अपनी कर सके, वरना गाड़ी वाइब्रेट करेगी या जो अगर कम हो उसके हवाले से, उसका जो कंप्यूटर है वो ये सोचेगा। तो उस हवाले से जो है आजकल जो है एवरेज जो है वो थोड़ी डाउन आ रही है, तो इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलेगी, वेदर थोड़ा चेंज होगा, फिर आप चेक कीजिए, अगर आपको एवरेज फिर भी वही महसूस हो रही है, तो फिर उसके बाद आप कंसल्ट करिए कि यार ये क्या मसला है, मुसलसल एवरेज क्यों डाउन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा जो है ये मसला समझ आया होगा, इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने कोई भी जो कमेंट्स हों वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।